हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद धरने के हवाले से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी अभी तक बरकरार है। इस्लामाबाद में मजहबी जमात के धरने को आज 13 रोज हो गए हैं और बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल से ऑर्डर जारी कर रखा है कि धरने को खत्म कर दिया जाए, लेकिन धरना अभी तक बरकरार है। हुकूमत है कि नोटिस पे नोटिस दिए जा रही है, अपीलों पे अपीलें किए जा रही है और खासतौर पर आज रात 10 बजे की डेडलाइन थी इस्लामाबाद धरने वालों को, मजहबी जमात के धरने वालों को, कि वो अपना धरना यहां से लपेट लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल धरने वालों पर बरहम हुई थी, आज हुकूमत पर बरहम हुई और यहां तक कह दिया कि इंतजामिया महज क्रिकेट तमाशाई बनी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज भी किस किस्म के रिमार्क्स दिए और क्या कहा, इस्लामाबाद इंतजामिया की गफलत के हवाले से धरना खत्म ना करवा सकने के मुतालिक देखिएगा एक छोटी सी रिपोर्ट। फैजाबाद में धरने वालों ने अदालती हुक्म ना माना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने धरने के खिलाफ शहरी अब्दुल कयूम की दरखास्त पर समाअत की। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और DIG अदालत में पेश हुए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जिले इंतजामिया को मुजाकरात कामयाब न होने पर ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने बताया कि धरने में 2000 के करीब अफराद मौजूद हैं जिनके पास हथियार भी हैं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आजादी इजहार राय के इस्तेमाल में दूसरे शहरियों को तकलीफ ना हो। धरने और मुजाहरे के लिए डेमोक्रेसी पार्क मुख्तस किया जा चुका है। जिले इंतजामिया अपने अख्तियारात के इस्तेमाल में नाकाम रही है। अदालत ने फैजाबाद को खाली कराने का हुक्म देते हुए कहा कि बुजुर्ग खवातीन और बच्चों को कुछ ना कहा जाए। कोर्ट ने कितने सख्त अल्फाज में लपटे लिए हैं इस्लामाबाद इंतजामिया की और किस किस्म के सख्त अहकाम जारी किए हैं वो तो आपने देख लिए, लेकिन 13 रोज हो गए हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरियों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। ना तो औरतें, ना ही बच्चे, ना ही बूढ़े अपने रोजमर्रा के काम अंजाम दे पा रहे हैं, ना ही मर्द हजरात अपने दफातर तक जा पा रहे हैं और यहां तक के मरीजों को एम्बुलेंसेज तक दस्तियाब अस्पताल जाने के लिए। इस्लामाबाद पिंडी के रहने वाले इन 13 दिनों में किस किस्म की शदीद मुश्किलात का शिकार रहे, जरा उनकी जबानी सुनिएगा। मसला ये है कि आज 11 दिनों की इतनी परेशानी है कि गाड़ियां उन्हें डबरों पर खड़ी करके सवान जाते हैं, डोर काला खान जाते हैं, बड़ी परेशानी है। हम परेशान है, आवाम तो बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका जो भी इसे क्लोज करना है, जैसे भी करना है इसे क्लोज करें। मैं कराची से आई हूँ तो जो इतना सफर मुझे पता होता तो मैं ट्रेन पे बैठ जाती, अब इतना सफर तय करके मैं आई हूँ, मेरा खुदा जान। आवाम को बहुत मुश्किल है, आगे डबल रोड भी बंद किया हुआ है, लोग बहुत तंग हुए हैं, लोगों को जगह नहीं मिल रही है, मोटरसाइकिल वाले भी फंसे हुए हैं। हम जलील हो रहे, चक शजात पे आते हैं, ये अडियाला रोड से एक हफ्ता हो गया, हम तो सफर में ही थक गए हैं, कर कर के सफर, गाड़ी नहीं है, इतनी बच्चिया नाल कोई सहूलत नहीं है रास्ते में। इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरी किस अजियत से गुजर रहे हैं वो तो आपने जाना। इस वक्त इस्लामाबाद धरने वालों की सूरत हाल क्या है, वो कब तक अपना धरना लपेटने का इरादा रखते हैं और एहसन इकबाल साहब ने जो मुजाकरात की पेशकश की है ये सब सूरत हाल हम जानेंगे। धरने के मकाम पर ही मौजूद है आज न्यूज के रिपोर्टर अली फुरकान यूसुफ। अली, आप मुसलसल इस धरने को कवर कर रहे हैं और खासतौर पर आज 10 बजे की डेडलाइन थी, डेडलाइन के बाद क्या कोई इंतजामिया का ऑपरेशन होने का इरादा है, करने का इरादा है, क्योंकि आपके पीछे मैं काफी देख रही हूं कि नफरी भी काफी खड़ी है और बिल्कुल तैयार वो लैस खड़ी हुई है मुख्तलिफ चीजों से, बैटन लाठियां उनके हाथ में है, तो क्या कोई ऑपरेशन होने जा रहा है, इंतजामिया का इरादा क्या है और जो एहसन इकबाल साहब ने मुजाकरात की पेशकश की है तो धरने वालों का इरादा क्या है, मुजाकरात के लिए वो आमादा है? अली फुरकान,
जी यहाँ जो मुजाकरात की बात है तो धरने वाले अपने मुकाम के ऊपर मौजूद हैं, वहाँ पे तादाद जो है शुरुका की वो भी खासी तादाद है। आज चूंकि जुमा है तो आम जो गुज़श्ता रोज़ से उससे कुछ ज़्यादा तादाद हमें दिखाई दे रही है, और उनकी तकारीर जो है उससे हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसा कोई मूड उनका दिखाई नहीं दे रहा कि वो खुद से इस जगह से धरना ख़त्म कर दें या मुंतकिल कर दें। उनके जो कारकुन हैं वो चार्ज हैं, नारे लगा रहे हैं, तकारीर से उनका जोश जो है वो बढ़ाया जा रहा है, और ये ऐलानात भी हुए हैं कि अगर इंतजामिया की जानब से ज़बरदस्ती यानी ऑपरेशन किया गया तो वो उसके ऊपर मुज़ाहमत करेंगे। ये बाकायदा तौर के ऊपर ये ऐलान जो है वो धरने के कायदीन जो हैं उन्होंने कर रखा है और अपने कारकुनों को इसके लिए अलर्ट रहने का कहा है। जहाँ तक इंतजामिया की बात है तो इंतजामिया जो है वो नोटिस और जो है इंतबाह तो पहले से कर रहे थे, इनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो मौजूदा ऑर्डर है वो भी पहुँचाएगा, और इससे पहले के जो ऑर्डर थे परेड एवेन्यू के अलावा कहीं पब्लिक मकाम के ऊपर जो है वो इस किस्म की गैदरिंग से जो मना कर रखा है वो भी पहुंचाए गए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे वो कायम रहे। और इंतजामिया ने अभी जो है वो कुछ तैयारी तो कर ली है, जो रिजर्व हैं एफसी के उनको भी बुला लिया है, 100 रिजर्व जो हैं वो सुबह पहुंच रहे हैं, 10 रिजर्व जो हैं वो अभी कुछ देर पहले ताज़ा दम जवान जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं एफसी के, उन्होंने अपनी पोजिशन संभाली हुई हैं, एंटी राइड्स किट्स जो हैं वो पहने हुए हैं। इसके साथ जो इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस उनको भी अलर्ट कर दिया गया है, और वो भी जो है कुछ अपनी पोजीशन जो है वो लेके बैठे हुए। धरने के जो अतराफ में जितनी अहम शाहराएं हैं उसमें सबसे पहले जो है वो एफसी की जो जवान है वो जो है मौजूद है, वहां पे एंटी राइट्स किट्स पहने हुए हैं और हाथ में जो है वो लाठियां उठाए हुए, लेकिन अभी जो है हमें ऐसा कुछ जो है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये सियासी फैसला होगा। इंतजामी तौर पे जो तैयारियां हैं वो हमें मुकम्मल दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये चूंकि फैसला सियासी जो है वो होगा, सियासी क़यादत ने करना होगा, तो अभी हमें जो है वो उसका जो है हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि सियासी तौर के ऊपर हुकूमत ने कोई ऐसा फैसला कर लिया है कि फौरी तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद अपडेट्स भी हम लेते रहेंगे। और इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो हम चलेंगे जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के तर्जुमान मुसद्दिक मलिक। जी मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ हैं, जी मुसद्दिक मलिक साहब ये बताइए कि क्या सिचुएशन है इस वक्त धरने वालों के हवाले से। देखिए आपने, मैं आपकी पूरी गुफ्तगू तो नहीं सुन सका क्योंकि यहाँ पे स्टूडियो में आवाज नहीं आ रही थी, मगर सूरत हाल तो आपको मालूम है। आप मुझे सुन पा रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब? जी मैं अब आपको सुन पा रहा हूँ, लेकिन आपके इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुसलसल जो है ऑर्डर्स दे रखे हैं। आज उन्होंने ये कह दिया इस्लामाबाद इंतजामिया जो है वो क्रिकेट तमाशाई बनी बैठी है, लेकिन उसके बावजूद वजीर दाखिला साहब जो है वो अपील करते हैं कि जी आप बराए मेहरबानी उठ जाए, आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? जी देखिए बिल्कुल उसी वजह से, जिस वजह से हमने 4.5 महीने यहाँ पे पहले जो पहला धरना हुआ था जो रेड जोन में था, जिसकी इजाज़त किसी कानून के तहत नहीं थी, उसके बावजूद जो है ज़ोर और धौंस धांधली के ज़रिए एक नई रिवायत कायम की गई कि रियासत के सामने आप खड़े हो जाएं और हज़ारों की तादाद में लोग लेकर जिस मर्ज़ी जगह पर चले जाएँ और जिस मर्ज़ी आइन और कानून की हुक्म अदूली कर दें, और आप बेशक सुप्रीम कोर्ट के सामने शलवारें टांग दें, आप बेशक हमला कर दें पार्लियामेंट की इमारत पे या पीटीवी के ऊपर, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा और कोई कुछ नहीं कह सकता। ये आज जो तमाम आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, आप बताइए कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन को वो बात सुननी चाहिए जो 4.5 महीने के धरने में की गई, बारहा अपील की गई अदालतों से भी और शुरका से भी, और उस वक्त आप भी को भी याद होगा कि हर टीवी चैनल जो है उसकी स्पेशल नशरियात चल रही थी जो बाकायदा कहती थी कि ये जमहूरी हक है लोगों का कि वह सड़कों पर आएँ, रेड जोन के ऊपर आएँ और लोगों के जो कारहाए हुकूमत हैं उनको बंद करें। आपको याद होगा कि कई दिन सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया गया था, उसका घेराव किया गया था, लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, सरकारी अफसरान और जो सियासी लोग हैं उनकी तलाशियां जत्थे ले रहे थे। आप बताइए कि अगर कोई एक्शन किया जाए तो आप कल क्या कहेंगे? अगर आज रात को एक्शन किया जाता है, और ऑब्वियसली अगर एक्शन किया जाता है और उसमें मजाहमत होती, जैसा कि शुरका धरने के कह रहे हैं कि हम मजाहमत करेंगे, और उन्होंने पत्थर भी रखे हुए हैं, उन्होंने कीलों वाले डंडे भी रखे हुए हैं, तो कल स्पेशल नशरियात में आप लोग क्या कहेंगे कि हुकूमत ने सही किया,
अगर उसमें कोई माली नुकसान या जानी नुकसान होता है या कुछ लोग जख्मी होते हैं तो आप क्या कहेंगे कि बरहक है रियासत कि उसको ये काम करना चाहिए था, या आप ये कहेंगे देखिए ये लोगों का जमहूरी हक था और हुकूमत ने कितना जुल्म किया और इतने लोग जख्मी हो गए और बार बार कैमरे जो हैं वो एक ही क्लिप को 8-8 दफा दिखाएंगे। इस वजह से ये जो रिवायत पड़ी है धरने से, पीटीआई के धरने से, उसके बाद से हुकूमत को एक नया तर्ज अपनाना पड़ा है और उस वक्त भी इसी तरह का कोई आना चाहिए था। हम तो खैर हुक्म मदूली नहीं करेंगे, हमने तो अपने वजीर आजम को घर भेज दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म का इजरा किया था। तो अगर आज हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है तो हम बारहा अपील कर रहे हैं और आपके प्रोग्राम के जरिए मैं दोबारा धरने के शुरका से अपील कर रहा हूं कि वो पुरम तरीके से चले जाएं। और हमारे वजीर जो हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि हम आपसे निगोशिएट भी करने को तैयार हैं मगर आप बात कीजिए और एक पुरम तरीके से चले जाएं, वरना फिर रियासत को ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मगर मैं आपकी वसातत से दीगर जो स्पेशल ट्रांसमिशन हैं तमाम ये टीवी चैनल्स की और तमाम जो आवाम हैं, जो उनसे दोबारा अपील करूंगा कि ये याद रखिए आज की कॉन्वर्सेशन जो मेरे और गरीदा के दरमियान हो रही है, और कल ये मत कहिएगा कि रियासत ने ये क्या किया और लोगों का जमहूरी हक जो है उसको सल्ब कर लिया गया। अब आप फैसला कर लें कि आप क्या चाहते हैं रियासत कैसे चले। ओके, लेट्स सी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ी गहरी बात भी कर रहे हैं कि फैसला कर लेना चाहिए कि रियासत रही है क्या करना चाहिए रियासत को। बहुत शुक्रिया तर्जमान वजीर आजम सद्दिक मलिक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने डेरा इस्माइल खान वाकये के बाद दावर खान कुंडी को अपनी पार्टी से निकाल दिया है, उनका पहला रद्द अमल हम आपके सामने लेके आएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब बात करेंगे दावर खान कुंडी और अली अमीन गंडापुर के हवाले से। डेरा इस्माइल खान में एक खातून की बेहुरमती के वाकये के हवाले से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा दावड़ खान कुंडी ने एक और सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर अली अमीन गंडापुर पर शदीद नौयत के इल्जाम आयद किए। ये इन दोनों पीटीआई सीनियर मेंबर्स की लड़ाई जो है मीडिया तक पहुंची, पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा और आज इमरान खान साहब ने इसका सख्त नोटिस लेते हुए दावड़ खान कुंडी को पार्टी से निकाल दिया है और कहा है कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ गलत इल्जामात लगाए हैं। ये गलत इल्जामात क्या कहीं साबित हुए हैं, दावड़ कुंडी इस पर क्या कहते हैं, उनका सबसे पहला रद्द अमल हम आपके सामने ला रहे हैं और अली अमीन गंडापुर से भी बात करेंगे। दोनों दावड़ कुंडी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पहले बात करेंगे दावड़ कुंडी साहब से। अस्सलाम वालेकुम दावड़ साहब, और अली इमरान खान साहब ने अली अमीन पे लगाए गए आपकी तरफ से इल्जामात उनको मुस्तरद कर दिया, कहा है कि आपने गलत इल्जामात लगाए हैं और आपने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, आप पार्टी के खिलाफ भी बहुत सी बातें करते रहे हैं, आपको पार्टी से निकाल दिया है और कहा है कि आपके खिलाफ सख्त एक्शन भी होगा। ये वीडियो मैंने भी देखी, एक तो मुझे पार्टी से उन्होंने नहीं निकाला और ना वो अच्छा। पार्टी से निकाल सकते हैं क्योंकि मैं इस पार्टी का समझता हूँ कि शायद सबसे ज्यादा पॉलिसी के पाबंद आदमी हूँ। और दूसरा जो है खान साहब ने जो कहा, एक तो कोई इन्वेस्टिगेशन तो उन्होंने की नहीं, और मुझे अफसोस ये है, मैं अपील कर पा रहा खान साहब को, उनको मैंने खत भी लिखा कि एक यतीम लड़की के साथ जुल्म हुआ है, उसको बरहना फिराया गया, जिसको मैं अपनी बेटी समझता हूँ, मेरी बहन समझता हूँ, मैं उसके पास गया, उसने मुझे कहा, उसके चचा ने मुझे कहा, क्योंकि उसका वालिद नहीं है वो यतीम है, कि अली अमीन और उसका चचा जो है वो मुसलमान को सपोर्ट कर रहे हैं। जी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी पार्टी रिएक्ट करेगी क्योंकि ये एक सोशल इशू है और ऐसा घिनौना काम मैं समझता हूँ कि केपी में कभी नहीं हुआ कि एक लड़की को 3-4 घंटे आप गलियों में असले के जोर पे फिराएं। गलत FIR कटी, वो FIR जब IGP और CM पे प्रेशर पड़ा वापस हुई, तो मैं जाके उस लड़की के साथ खड़ा हुआ, खान साहब को मैंने कहा खान साहब अली अमीन का नाम आ रहा है उसके चचा का, और दूसरी बात अली अमीन के चचा की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑलरेडी वायरल है, इमरान खान साहब ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। दूसरा जो उन्होंने कहा
मैंने हर पार्टी की मीटिंग अटेंड की और मैं उनको हमेशा कहता रहा कि खान साहब पार्टी में मिनिस्टर्स करप्शन करते हैं, पार्टी का नाम बदनाम होता है। हमारी पॉलिसी थी कि एमपी एमएनए को फंड नहीं देंगे, वजीर आला साहब एमपीएस को फंड दे रहे हैं और फंड जाया हो रहे हैं, तो खान साहब प्राइवेट में हमारे साथ ये तस्लीम करते थे। दूसरा, मैंने कभी किसी भी चैनल पे बैठ के पार्टी के खिलाफ बात नहीं की, क्या सबूत है उनके पास? दूसरा, जो मुझे झूठा कहते हैं तो कोई बताएं तो सही मैंने कौन सा झूठ बोला है, और मैं बता सकता हूं कि कौन कौन लोग झूठ बोलते हैं। देखिए, जब आप पार्टी का मंशूर देंगे और पार्टी के मंशूर पे अमल नहीं करेंगे, ना करवाएंगे, अगर आप मजबूर होंगे कि सीएम के खिलाफ आपने एक्शन नहीं लेना, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा झूठ है। हमने खान साहब को 5-6 महीने कहे थे कि खान साहब केपी में पार्टी की पोजीशन खराब हो रही है, ठीक, आप बराए मेहरबानी एक्शन लें। उन्होंने कहा आप ठीक फरमाते हैं, मैं एक्शन लूंगा, वादा किया, उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। आज भी केपी एहतसाब कमीशन को ताले लगे हैं, इसलिए लगे हैं क्योंकि 2 मिनिस्टर गिरफ्तार होने लगे थे। ये अब मैं तो नहीं कह रहा, ये इल्जाम मैंने तो कभी नहीं लगाया, मैंने किसी चैनल पर बैठ के बात नहीं की। दूसरा, पार्टी में कौन सी नोटिफिकेशन है कि आप चैनल पे जाके बात नहीं कर सकते? ये बातें हमें खान साहब ने सिखाई थी कि मेरा भी एहतसाब करो, पार्टी का भी एहतसाब करो, जो झूठ बोले उसे गले से पकड़ो। दूसरा, जियाउल्लाह तोरू डायरेक्टर एंटी करप्शन था, उसको किस लिए हटाया? क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ था। आज जो एंटी करप्शन का डायरेक्टर है वो सीएम का पीएसओ रहा है, और मैंने कई दरखास्तें दी हैं अली अमीन की इन्वॉल्वमेंट की, जहाँ पे अस्पताल में नौकरियां बेची गई। और अली अमीन का बेनोई वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन है। अब ये मैंने अपनी तरफ से कोई स्टोरी डाली है, ये तो फैक्ट्स है, इल्जाम कोई नहीं है। दूसरा, मुझे अफसोस है, खान साहब ने हमें सिखाया था कि हमने इन्वेस्टिगेट करना है क्राइम को, और हमने जहां पे झूठ नजर आए उसके खिलाफ उसको हमने क्वेश्चन करना है। आज अगर मैं क्वेश्चन करता हूं कि भाई इस यतीम लड़की के साथ क्यों ये हमारे मिनिस्टर मुखालिफत कर रहे हैं जी, तो ये मेरा जुर्म तो नहीं है, मुझे तो इसकी दाद मिलनी चाहिए थी। देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी से मुझे कोई निकाल नहीं सकता, फर्क पड़ेगा खान साहब को खुद जब लोग देखेंगे कि मैं यतीम लड़की के सर पे हाथ रखा हुआ हूं, और खान साहब उस बंदे को सपोर्ट करें जो उस यतीम लड़की के सर से चादर हटाना चाहता है, छीनना चाहता है। जो रिकॉर्ड पे है, ये इल्जाम मैंने नहीं लगाए थे, ये चेक करें, उस लड़की के चचा के वीडियोस हैं वायरल, और अली अमीन के चचा के भी वीडियो वायरल है। ये शराब की बोतलें मेरी गाड़ी से तो नहीं पकड़ी गई थी। दूसरा, ये इलेक्शन के बल्दियात में बैलेट पेपर उठा के मैं तो नहीं लेके गया था, जमीन साहब पे FIR है। कालेदम तंजीमों का इल्जाम मैंने तो नहीं लगाया, ये तो इकराम गंडापुर ने अपने भाई इसरार गंडापुर के केस में वो इशारा इस तरफ करते हैं। तो देखिए, खान साहब को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, अब भी करें, क्योंकि मुझे ऐसे अपनी पार्टी से निकाल सकते कि मैं पार्टी के लिए अच्छा काम करूं और कोई उठ के आ जाए और कहे कि मैं आपको पार्टी से निकाल रहा हूं। खान साहब पार्टी के चेयरमैन है, कल पार्टी का चेयरमैन कोई और होगा, मैं तो इस पार्टी में हूं, कल इलेक्शन होंगे, पार्टी का चेयरमैन हम असद उमर को बना देंगे, शाह महमूद कुरैशी को बना देंगे। तो चेयरमैन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो वीडियो बयान जारी करे। हाँ, अगर उनकी ईगो को थोड़ी सी अगर कोई तकलीफ हुई है तो वो मेरा इशू नहीं है, मैं अपने आप को एक मजबूत शख्स समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जहां पे जुल्म होगा मैं जाऊंगा। खान साहब भी प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि 21 दिन बाद उनका बयान आता है, बजाय इसके कि वो उस लड़की की तरफदारी करें, हमदर्दी करें, ठीक, वो अली अमीन की तरफदारी कर रहे हैं जो नोटोरियस है पूरे मुल्क में, तो मुझे अफसोस है इस बात का। दूसरा, वो मुझे नहीं कह सकते कि मैं झूठा हूं, क्योंकि ना उनके पास कोई सबूत है ना कोई बात है, और इस तरह के शायद अपोजिशन पार्टियां इस तरह के रवैये लहजे बर्दाश्त कर लें। मैं किसी के नौकर नहीं हूं, ना बूट पॉलिशर हूं, मैंने हमेशा पार्लिमानी पार्टी में वो शिरकत की है, पार्टी की हमेशा जो भी बात आई है उस पर अमल किया है। डिसिप्लिनरी पार्टी का जो इन्होंने जिक्र किया, उसमें मेरी 3 दरखास्तें पड़ी है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पार्टी के वायलेशन किए हैं, उस पर तो कभी एक्शन नहीं हुआ। हाँ, अगर इनको
डिसिप्लिनरी कमेटी में चलाना चाहते हैं ये मेरे वाला केस, आए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में खान साहब ने कुछ जल्दबाजी की है, मुझे नहीं समझ आती कि उनके मुशीर कौन होंगे। मैंने तो खान साहब की इज्जत हमेशा रखी, लेकिन अगर वो मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि अली अमीन के साथ उनके ऐसे क्या तरीना ताल्लुकात हैं कि वो एक यतीम लड़की की आ से नहीं डरते, अल्लाह के अजाब से नहीं डरते और अली अमीन की साइड लेते। और अगर उनके पास जवाब ना हो तो फिर मुझे कभी वो कॉन्टेक्ट कर ले, मैं बताऊंगा अवाम को। ठीक है, और मैं अवाम का जवाब दे हूँ, अपने जमीर का जवाब दे हूँ, ठीक है, और हक और सच का जवाब दे हूँ। ठीक है, ठीक है, आपने बड़े संगीन इल्जाम लगाए अली अमीन गंडापुर साहब पर, क्योंकि वो भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान खान साहब के बारे में आपने बड़ी सख्त बातें की हैं। अली अमीन गंडापुर साहब अस्सलाम वालेकुम, और ये दावर कुंडे साहब कह रहे हैं कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला और मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और पार्टी मुझे नहीं निकाल सकती, क्या कहेंगे आप इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात तो ये है जी कि दावर कुंडी ये पहली दफा नहीं कर रहा, आज से तकरीबन एक साल पहले दावर कुंडी में इसी तरह के बेबुनियाद इल्जामात वज़ीर-ए-आला साहब पे लगाए थे, उसके बाद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर पे लगाए, फिर हमारे हेल्थ मिनिस्टर पे लगाए, उसके बाद मेरे ऊपर लगाए बगैर किसी सबूत के, और उसके बाद ये अगर इसे दोबारा किया है तो ये सिर्फ और सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। तरीके इंसाफ से ये फारिग हो चुका है, इसको पहले ने बताया कि तरीके इंसाफ दोबारा इसको अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करेगी, तो उस पर ये अभी अवाम की खिदमत कर नहीं सका, डिलीवर नहीं कर सका, तो किरदार कुशी करके ये एक मनफी पॉलिटिक्स और एक घटिया पॉलिटिक्स कर रहा है, वो मैं मजम्मत करता हूँ इसकी। ठीक है, आपने कहा कि मजम्मत करते हैं और आप अपने मौकिफ पे बरकरार हैं कि आपका इस सारे वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है और आप सच्चे हैं, तो आप सच्चे हैं तो आप समझते हैं, इस पर यकीन रखते हैं कि इन तमाम इल्जाम की तहकीकत शफाफ होनी चाहिए? बिल्कुल जी, तहकीकत इमरान खान साहब ने की होगी और की भी है, और उसमें उन्होंने वेरीफाई भी किया है इस चीज को कि मेरा ना इस वाक्य से कोई ताल्लुक था और नहीं मैंने पुष्पनाई की है, और नहीं ये मेरा हल्का बनता है, नहीं मेरा यहाँ पर कोई मैंने इंटरफेरेंस की है किसी भी तरह से। और उसमें वो जो एक बयान दिया था उसकी फैमिली ने, एक बंदे ने कि जी मेरा एक रिश्तेदार है कि जो उनको अदालत में सारी थाने में पेश किया है, तो मेरा किसी रिश्तेदार का कुछ करना जो है वो किसी भी तरीके से मुझ पर इल्जाम लगाना जो है वो सरासर ज्यादती है। और दावर कुटी ने सिर्फ जो है वो किरदार कुशी करने के लिए हरकत की है, और उसके ऊपर इमरान खान साहब ने बताया भी है, उन्होंने आईजी साहब के रेगुलर रास्ते में है, तो उन्होंने वेरीफाई किया है इस चीज को, क्या मैंने इंटरफेयर किया पुलिस में या किसी भी तरह से किया या नहीं किया। ठीक है, आपने कहा कि तहकीकात की भी होंगी और करवाई भी जा रही होंगी, इसका मतलब है कि आप श्योर नहीं है, जबकि दावर कुंडी साहब भी कह रहे हैं कि कोई तहकीकात पार्टी लेवल पे इस वाकये के हवाले से नहीं हुई। देखिए जी, पार्टी को पता है कि पार्टी में किसका क्या किरदार क्या है और कौन पार्टी के लिए क्या करता है, और वैसे भी किस बंदे का क्या किरदार है ओवरऑल, तो उस पर जो भी पार्टी का तरीकाकार है वो पार्टी अदा करेगी, और मेरा उस पर ना मेरा उससे कोई मतलब है कि मेरे उस पर कोई इंटरफेरेंस है ना मेरा कोई इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, तो वो जो भी तरीकाकार पार्टी का है वो करेगी, मुझे कोई एतराज नहीं है इसके ऊपर, जिस तरह भी पार्टी समझती है वो इसके ऊपर कर ले, और इंशाल्लाह मैं क्लियर हूँ। और इससे पहले मेरे में बड़े इल्जाम लगे हैं, शुक्र है मैंने वो भी क्लियर किए, और इस पर मैं इंशाल्लाह बिल्कुल करूंगा और उनसे करूँ इंशाल्लाह। अली अमीन साहब, एक तफ्तीश तो पुलिस कर रही है, जाहिर है उसका नतीजा भी सामने आएगा, लेकिन इस तरह जब पार्टी डिसिप्लिन की बात आ जाए तो फिर पार्टी लेवल पर भी तहकीकात होनी चाहिए साफ शफाफ तरीके से। दावर कुंडी साहब कह रहे हैं कि जी कोई पार्टी में इस लेवल की तफ्तीश नहीं हुई और तफ्तीश किए बगैर, तहकीक किए बगैर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, उन पर कोई चार्ज साबित हुए बगैर, तो पार्टी लेवल पर कोई हुई है इस तरह की तफ्तीश, कोई तहकीकात आपके नॉलेज में है? देखिए जी, मैं तो हल्के में हूँ इस वक्त, मुझे तो पता नहीं है कि पार्टी इसके ऊपर तहकीक कौन कर रहा है या किस तरीके से कर रहा है, लेकिन पार्टी का एक सिस्टम है, उसमें जो भी पार्टी सही समझती है वो करेगी, और मुझे कोई एतराज भी नहीं है, और पार्टी के किसी फैसले के ऊपर मुझे फुल कॉन्फिडेंस भी है, मुझे एतमाद भी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली अमीन गंडापुर साहब और दावर खान कुंडी साहब हमसे बात कर रहे थे प्रोग्राम में, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज की एक और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। हल्का बंदियों का बिल आज सेनेट से मंजूर होना था, लेकिन वहां पर भी नून लीग के अराकीन कम थे। तहरीके इंसाफ समझती है कि इसी बुनियाद पे नून लीग की हुकूमत गिर भी सकती है। तफसीरात ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 2018 में वक्त पे इलेक्शन हो जाएं इसके लिए हल्का बंदियों की तरमीम कल कौमी असेंबली से मंजूर हुई थी, आज वो सेनेट में गई लेकिन वहां से मंजूर नहीं हो सकी क्योंकि सेनेट में कोरम पूरा नहीं था, अराकीन की तादाद मुकम्मल नहीं थी। 140 के ऐवान में 50 से भी कम सेनेटर्स मौजूद थे और अहम बात यह है कि नून लीग के सेनेटर्स भी वहां मौजूद नहीं थे और यही वजह है कल कौमी असेंबली में भी नून लीग के अराकीन की तादाद अच्छी खासी कम थी। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ को खदशा है कि नून लीग के लोग उनके अपने साथ नहीं है और जल्द ही हुकूमत गिर सकती है, जल्द ही इंतखाबात भी हो सकते हैं। इसी सारे मामले पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा और मरकजी तर्जुमान जनाब शफकत महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम शफकत महमूद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। कल की आईनी तरमीम के बाद जो कि कौमी असेंबली से मंजूर हो गई, तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफिक हो गई हैं कि 2018 के इलेक्शन अब अगस्त 2018 में ही होंगे सिवाय पाकिस्तान तरीके इंसाफ के। पाकिस्तान तरीके इंसाफ अभी भी समझती है और मुतालबा है उसका कि कबल अज वक्त इंतखाबात होने चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए दो चीजें हैं जो मैं वजाहत करना जरूरी समझता हूं। पहली बात तो यह है कि जब ये नेशनल असेंबली में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाने की बात हुई तो हमारा मौकफ यह था कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के तहफ्फुज़ात थे तो बैसी तो अपोजिशन हमने कहा कि ये तहफ्फुज़ात दूर किए जाएं और जब ये तहफ्फुज़ात दूर कर लिए गए तो हमने तो उस पहले ही कह दिया था कि हम इस बिल को सपोर्ट करेंगे और उसकी रीजन ये थी कि हम ये चाहते थे कि कोई ऐसा बहाना ना हो जिससे इंतखाबात जो हैं वो किसी वजह से मुलतवी हो सकें या वक्त पर ना हो सकें। जहाँ तक ताल्लुक है जल्दी इलेक्शन कराने का, उसमें कोई इसे अभाव वाली बात नहीं है। अगर कल को किसी वजह से नून लीग की हुकूमत गिर जाती है तो आईन का आर्टिकल 221 कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा, तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है वो कराना एक आईनी चीज है और उसमें कोई अभाव नहीं है, उसमें कोई तजाद नहीं है। एक आर्टिकल शफकत साहब आपने भी कहा कि हो सकता है किसी वजह से हुकूमत गिर जाए और 90 दिन में इलेक्शन पड़े, कल इमरान खान साहब ने भी यही कहा कि हो सकता है कि हुकूमत जल्द चली जाए, जल्द इंतखाबात करवा लिए जाएं, तो ऐसा क्या है कि तहरीक इंसाफ को लगता है कि हुकूमत गिरने वाली है, जल्द जाने वाली है, जल्द इंतखाबात हो जाएंगे? देखिए ये कल भी तकरीबन 40 से 50 नून लीग के एमएनए जो थे वो नहीं आए थे, बावजूद इसके कि इन्होंने दिन रात का जोर लगाया और अगर अपोजिशन साथ ना मिलती तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास नहीं होनी थी। ये तो हम लोगों के मिलने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुई और आपने देख लिया कि जो सेनेट में आज हाल था कि हुकूमत जो है वो अपने सेनेटर इकट्ठे नहीं कर सकी, उनके अपने अपने लोग नहीं आए थे, तो इसलिए अंदर एक जो खलफिशार है नून लीग के अंदर वो तो वाजे है। तो इसलिए हम ये कहते हैं एक मफरूजा है कि अगर, और खान साहब ने भी ये कहा कि अगर उनकी हुकूमत गिरती है, ये हम नहीं कह रहे कि हमको प्रेडिक्शन नहीं करके जरूर गिरेगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर गिरती है तो आर्टिकल 221 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाब होने चाहिए। हम ये समझते हैं कि गिरनी चाहिए, हम समझते हैं क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपकी इकॉनमी जो है वो बर्बाद हो चुकी है और जो इकॉनमी का मैनेजर है वो लंदन के कुछ लोग कहते हैं फरार हुआ हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि वो वहां पे इलाज कराने गया हुआ है, तो चलो दोनों चीजें इकट्ठा कर लेते हैं, इलाज भी करा रहा है और फरार भी है जिसके नॉन अवेलेबल वारंट्स जो हैं वो जारी हो चुके हैं, तो ऐसे शख्स को होते हुए इकॉनमी कैसे बेहतर होगी? गवर्नेंस का ये आलम है कि 15 दिन हो गए हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी मफलूज हो चुका है और उसको हल करने के लिए हुकूमत ने कोई तरीका नहीं निकाला, और भी बेशुमार प्रॉब्लम है। मैं अगर गिनवाना शुरू करूंगा तो आधा घंटा उसी में लग जाएगा, लेकिन ऐसे जवाब में दो तीन बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आपने, हम प्रेडिक्शन नहीं कर रहे कि हुकूमत जाने वाली है, हम मफरूजों पे बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश भी है कि गवर्नमेंट गिर जाए। देखिए अगर हमने ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश को अमली जामा पहनाना होता तो इस वक्त ये चंद हजार लोगों का धरना फैजाबाद पे ना होता। इस वक्त हमारे पार्टी की आपने जलसे देखे, हमारी कैपेसिटी है लाखों लोगों को इस्लामाबाद लाने की, अभी तक हमने इस चीज के ऊपर कोई एक्शन प्लान जो है वो नहीं बनाया। लेकिन मैं वैसे आपको कह रहा हूं कि सूरत हाल जो मुल्क की है और खास तौर पर जो मईशत की सूरत हाल है और एक हुकूमत जो है वो ना होने के बराबर है। वजीर आजम कहता है कि मैं वजीर आजम नहीं हूं, वजीर आजम नवाज शरीफ है, मैं तो प्रॉक्सी हूं उसकी, और ये सूरत हाल के अंदर
निज़ाम मुमलकत नहीं चल रहा, और जब निज़ाम मुमलकत नहीं चलता तो दुनिया में तो ये लोग खुद ऐसे करते हैं जिस तरह टेरेसा मे ने किया, जिस तरह और लोगों ने किया कि वो इलेक्शन कॉल कर लेते हैं। शायद खाकान अब्बासी को तो चाहिए कि खुद इलेक्शन कॉल करे, अगर वो नहीं करता तो हमें ये ऐन मुमकिन है, मुमकिन है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई गैब का इल्म है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि हुकूमत जो है इसके पास नंबर्स ही ना हो और हुकूमत कोलैप्स कर जाए। अगर कोलैप्स करती है तो आर्टिकल 221 इन प्ले आ जाएगा और इलेक्शन टाइम पे होगा। शफकत साहब, हम चूंकि मफरूजों पे बात कर रहे हैं, अगर मगर चूंकि चुनांचे, ये सारे मफरूजों पे हम बात कर रहे हैं, तो या तो आप वाला मफरूजा चल सकता है कि गवर्नमेंट गिर जाए उसके पास नंबर्स ना रहे, या फिर दूसरा मफरूजा हो सकता है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट चल जाए, मुद्दत पूरी करे, इलेक्शन टाइम पे हो, और फिर खासतौर पर आज की डेवलपमेंट देखी जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो तैयारी भी शुरू कर दी है। तो अगर गवर्नमेंट गिर जाती है तो 90 दिन में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तैयारी भी नहीं है कि वो इलेक्शन करवा सके। देखें, अगर हुकूमत नहीं गिरती और ये नहीं होता तो हमारी वजह से तो ही ये बिल कल पास हुआ है। आपको पता है कि जब पहली वोटिंग हुई है तो 232 लोग थे, उसके बाद जो अगली हुई 235 थे, फिर जो फाइनल हुई उसको 242 थे, 228 चाहिए थे, उसमें हमारे 25 लोग हमारे शामिल थे। अगर हम ना होते तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास नहीं होनी थी, और हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसलिए पास कराई है कि अगर कल को किसी वजह से अगर हुकूमत नहीं गिरती और वक्त अपना मुकम्मल करती है और जून में डिसॉल्व होती है, तो बाय दैट टाइम जितने भी मामला इलेक्शन करवाने के होने चाहिए उन पर सब पे अमल दरामद हो चुके हैं, और हम किसी सूरत वक्त से ज्यादा इलेक्शन को मुलतवी नहीं देखना चाहते। जी शफकत महमूद साहब का रابطہ शायद हमसे खत्म हो गया है। शफकत महमूद साहब बात कर रहे थे हमसे और कह रहे थे कि तहरीके इंसाफ की ख्वाहिश है कि हुकूमत जल्द गिर जाए और जल्द इंतखाबात हो जाएं, और अगर हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है तो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के लिए तैयारी भी जल्द करनी पड़ेगी। ये था आज का प्रोग्राम, देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।